सही हदीस से ये बात साबित है कि जिस्म के सारे आदा जब सुबह होती है, जुबान को कहते हैं सीधी रहना, जुबान को कहते हैं सीधी रहना, हमें अदाब ना दिलवाना। गोया जिस्म के आदा को भी पता है, हाथों को भी पता है, जिस्म को भी पता है कि अगर अदाब मिलना है उनमें से एक सबसे बड़ी वजह यह जुबान होनी है। उसके आगे आगे कहते हैं अपने आप को जरा सही रस्तों पे इस्तेमाल करना, तेरी वजह से हम बिला वजह जलते रहेंगे, जरा इसको रोक के रखना। हजरत अबू बकर का यह तरीकी वाक्या भी मिलता है, अपनी जुबान को पकड़ा हुआ हजरत उमर ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या हो गया, अपनी जुबान को पकड़ के आप कैसे खींच रहे हैं। कहा इसको खींच रहा हूं ताकि सीधी रहे और मुझे बुराइयों के घाट पर ना ले जाए। हजरत मुआज को नेकियों की जड़ के बारे में नहीं कहा, हजरत मुआज को कहा मैं तुझे नेकियों की जड़ ना बताऊं, बता दीजिए इस जुबान की हिफाजत कर, अल्लाह के रसूल इस जुबान की हिफाजत इतनी अहम है। ऐ मुआज ये नेकियों की जड़ ही नहीं है बल्कि जहन्नुम में जाने वाली एक बहुत बड़ी तादाद जहन्नुम में सिर्फ इस जुबान के वबाल की वजह से होगी। कुफर भी इसी से होता है, इनकार भी इसी से होता है, कुफराने नेमत भी इसी से होता है। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा लाया गया और कहा गया ये औरत है ये सारी सारी रात कयाम करती है और सारा सारा दिन रोजे रखती है, जुबान के गुनाहों को मामूली समझने वालों के लिए ये हदीस बड़ी अहम है, ये सारी सारी रात कयाम करती है, ये सारा सारा दिन रोजे रखती है लेकिन बड़ी बदजुबान है, बड़ी बदतमीज है, हमसाया इसकी जुबान के शर से महफूज नहीं, कोई बंदा इसकी जुबान के शर से महफूज नहीं रहता, जिसको देखती है बुरा भला कहती है, डांटती है, गालियां देती है, बद जुबानी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की जुबान से दुनिया में फैसला सादर फरमा दिया, ला खैर फीहा, उस औरत में कोई भी खैर नहीं चाहे रात का कयाम करने वाली है और दिन का रोजा रखने वाली है, हिया फिन्नार, अगर वो अपनी बातों पे चलती रही आग में चली जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरा मुकदमा लाया गया और कहा गया एक औरत ऐसी है फला मोहल्ले में, ना नफल पढ़ती है रात को ना सुबह नफली रोजा रखती है लेकिन फर्ज नमाज नहीं छोड़ती, नफल तो नहीं पढ़ती, ना नफली कयाम कर रही है ना नफली रोजा रख रही है लेकिन फर्ज नमाज नहीं छोड़ती, हाँ उसकी जुबान इतनी उम्दा है कि दाएं वाली हमसाई भी तारीफ करती है बाएं वाली भी तारीफ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही औरत खैर वाली है, यही औरत कल जन्नत में दाखिल हो जाएगी। इमाम बुखारी भी अदबुल मुफरद में इस हदीस को लाए हैं, मुस्तदरक हाकम में भी यह हदीस मौजूद है और इमाम अल्बानी ने भी इसको सही कहा है और इमाम ज़हबी ने भी इसको सही कहा है।